अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर आपको वेलकम करता हूं एक नई जॉब अपडेट के साथ। इस वीडियो में आपके साथ एक नई जॉब अपडेट शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में बात करूंगा ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की गई बेहतरीन पोस्ट की। 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में पोस्ट अनाउंस की गई है जिनके लिए मुल्क भर से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जॉब के बाद सेमी गवर्नमेंट जॉब यानी कि बैंकिंग जॉब बहुत सारे लोगों की फेवरेट जॉब होती है और काफ़ी सारे लोग बैंक में जॉब करना चाहते हैं क्योंकि बैंक कभी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालता। बैंक अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विस की बुनियाद पर उनको प्रायोरिटी देता है, उनको बोनसेस देता है और अच्छी सैलरी ऑफर करता है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ज़राई तरक्याती बैंक की तरफ से अनाउंस की गई पोस्ट की। इन पोस्ट की मुकम्मल तफसील अप्लाई करने के और दीगर इन्फॉर्मेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डियर फ्रेंड, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड यानी कि ZTBL। अगर आप ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के इस वेब पेज पर आना चाहते हैं यानी कि जॉब सेक्शन में या करियर सेक्शन में आना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आपको तमाम तर पोस्ट की डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर 1 पर प्राइवेटाइजेशन स्पेशलिस्ट लीगल, नंबर 2 पर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नंबर 3 पर हेड बिजनेस बैंकिंग एसेट्स, नंबर 4 पर हेड एडमिनिस्ट्रेशन और नंबर 5 पर हेड CAD, नंबर 6 पर हेड डिजिटल बैंकिंग की पोस्टें मौजूद हैं। ओपनिंग डेट इनकी 28 अगस्त 2022 है। सिर्फ एक पोस्ट इसकी 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त 2022 है। 1 पर जो पोस्ट है इसकी क्लोजिंग डेट 4 सितंबर 2022 है। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी सीट्स हैं इनकी 11 सितंबर 2022 है। आप व्यू जॉब के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास हर जॉब की डिटेल ओपन हो जाएगी, आप तसल्ली से रीड कर सकते हैं। आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, करंट ओपनिंग्स का पेज है, दोबारा से वही पोस्ट हैं लेकिन यहाँ पर अप्लाई नो या व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन JD आपको नजर आ रहा है। आप व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट पेज ओपन हो जाएगा। अगेन अगर आप अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अप्लाई का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आप फिल कर लेंगे। डियर फ्रेंड, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन स्पेशलिस्ट लीगल की पोस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी ईमेल सेलेक्ट करवाई जाएगी। आपसे आपको ईमेल को लॉगिन करना होगा यानी कि ये सिलेक्ट करते हैं कि आपकी वैलिड ईमेल आपकी यहाँ पर लॉगिन है या नहीं है। देख लें, जैसा कि मेरी ईमेल यहाँ पर लॉगिन हुई हुई है। आपकी जब ईमेल लॉगिन हो जाएगी तो यहाँ पर आप अपना तमाम तर क्राइटेरिया पुट करेंगे, फुल नेम, ईमेल एड्रेस दोबारा लिखेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, CNSE सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपना सिटी चूज़ करेंगे। आपको बताया है कि आप मुल्क भर से अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर तमाम तर सिटीज़ के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। आपका जो भी सिटी हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके यहाँ पर नाम मौजूद हैं तमाम तर सिटीज़। इसके बाद अकेडमिक क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करनी है, एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने तमाम तर जो बाकी मालूम है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड CV करेंगे, एक CV आपने बनवाने के बाद वो भी यहाँ पर ऐड करनी है क्योंकि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होगी और आपने वो ज़रूर ऐड करनी है। इसको आप टिक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। यहाँ से आपकी तमाम डिटेल ज़री तरक्याती बैंक को सबमिट हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो फर्दर आपसे कंटेक्ट कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।